आज हमारी स्टोरी होगी न्यूटन से स्टार्ट, बिहेवियर ऑफ लाइट पे। साइंस का एक जो डेवलपमेंट था लाइट की स्टडी के लिए, उसकी बात करते हैं। ये लगभग 400 साल पहले डेस्कार्टेस से स्टार्ट किया गया। डेस्कार्टेस एक न्यूटन के टीचर हुआ करते थे, ये मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि न्यूटन ने जो बचपन में साइंस सीखी वो डेस्कार्टेस की मोस्टली उसमें इन्फ्लुएंस था। तो डेस्कार्टेस ने लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की स्टडी की थी और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो स्नेल्स लॉ है वो भी डेस्कार्टेस का ही दिया गया है। साइन आई अपॉन साइन आर जो है कांस्टेंट होता है। न्यूटन ने डेस्कार्टेस के ही लॉस के स्टडी करके उसने कॉर्पस्कुलर थ्योरी को आगे ले गया। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उसने बोला कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उन फेनोमेनों को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया। रियल पार्टिकल्स भी रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। जब किसी वॉल पे आप बॉल को मारते हैं तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे, तो ये पार्टिकल्स के साथ भी वैलिड पॉइंट है। लेकिन रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे लाइट जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन पार्टिकल के लिए कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो न्यूटन का आइडिया था उसमें कि जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तो इतनी वियर्ड और ऑकवर्ड बात भी नहीं थी, हो सकता था कि लाइट पार्टिकल्स और मीडियम के पार्टिकल्स उसमें कोई इंटरेक्शन होता हो जो उस टाइम पे साइंस को ना पता हो। तो न्यूटन ने प्रोजेक्ट किया कि रिफ्रैक्शन भी पार्टिकल की वजह से होता है और मीडियम पार्टिकल्स जो है लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन की वजह से लाइट रे बेंट हो जाती है इंटरफेस पे, लेकिन अगर अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन का एक कंपोनेंट लाइट के मोशन के अलोंग भी लगेगा, जिस डायरेक्शन पे लाइट मूव कर रही है। इससे यह न्यूटन की थ्योरी से यह पता चलता है कि अगर लाइट डेंसर मीडियम पे जा रही है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक तो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी वैलिड थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक पता नहीं चलता कि भाई स्पीड ऑफ लाइट क्या है। फिर इसके बाद न्यूटन से लगभग 30 ईयर्स के बाद ही हाइजन आए। हाइजन का जो अप्रोच था वो मैकेनिकल वेव से रिलेटेड था। मैकेनिकल वेव जो हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, वाटर बॉडी पे वेव्स, पानी के ऊपर जो वेव्स बनते हैं, या रोप में हम ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइजन ने मैकेनिकल वेव के अकॉर्डिंग लाइट वेव को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हाइजन ने मतलब बिल्कुल ही न्यूटन से डिफरेंट ट्रैक यूज किया कि राइट पार्टिकल नहीं होती है भाई, ये तो वेव है और वेव के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। वेव नेचर के हिसाब से उसने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट वेव ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। ये साउंड के रिफ्लेक्शन में आपने कभी स्टडी किया होगा या एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, इस अप्रोच में कोई इशू नहीं था। रिफ्रैक्शन को भी हाइजन ने अपने वेव फ्रंट वाले कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया सक्सेसफुली। लेकिन जो वेव फ्रंट वाले कंसेप्ट थे उससे ये हाइजन ने प्रेडिक्ट किया कि डेंसर मीडियम पे लाइट की स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। जो रिफ्रैक्शन में लाइट की स्पीड से रिलेटेड इशू था, न्यूटन और हाइजन दोनों का बिल्कुल डिफरेंट था। न्यूटन और हाइजन की थ्योरीज में यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट था स्पीड ऑफ लाइट वेव पे इन डेंसर मीडियम। न्यूटन कह रहे थे भाई लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी और हाइजन कह रहे थे लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी। तब कैसे वेरीफाई होगी कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है? अब उस जमाने पे न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनकी रेस्पेक्ट भी ज्यादा थी। लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन वगैरह पे भाई सारी दुनिया उनकी बात मानती थी। लाइट के बारे में उनके जो स्टडीज थे उसको ज्यादा फेवर मिला होगा एग्जैक्टली, और हाइजन को रिजेक्ट कर दिया गया होगा। हाइजन की थ्योरी रिजेक्ट करने में एक्चुअली एक चीज और है, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए। अब जैसे रोप में आप ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करते हैं तो रोप चाहिए, आप पानी में वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो पानी चाहिए, हवा में साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो हवा चाहिए, तो लाइट के लिए मीडियम कहाँ से लाएंगे भाई? अब सन से अर्थ तक लाइट आ जाती है बिना किसी मीडियम के। हाइजन की मैकेनिकल वेव के कंसेप्ट को लाइट वेव पे कैसे फिट कर सकते हैं? लेकिन आगे फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुए। फोकॉल्ट थे, फोकॉल्ट ने लाइट की स्पीड को मेजर किया और ये देखा कि हाइजन की ऑब्जर्वेशन सही है, हाइजन सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे भाई ये हुआ कि भाई न्यूटन की थ्योरी गलत है, न्यूटन की थ्योरी गलत है, फिर ये तो बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाता है। लेकिन आयरनी ये थी कि न्यूटन की थ्योरी गलत वाला कंसेप्ट आगे काफी टाइम तक चलता रहा। भाई फोकॉल्ट के बाद यंग आए, उन्होंने इंटरफेरेंस वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इनफैक्ट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो दो कंसेप्ट है ये सिर्फ वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है, पार्टिकल्स के साथ ये पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है जहां दो वेव्स ऐड होते हैं, कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी 4 times हो जाती है और कुछ पार्ट्स पे इंटेंसिटी 0 हो जाती है, तो पार्टिकल्स के साथ ये पॉसिबल नहीं है। भाई पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स ऐड होंगे तो डबल ही होंगे, 4 तो नहीं हो सकते, और कहीं पे दो पार्टिकल्स ऐड करने पे 0 नहीं हो सकता। लेकिन
प्रैक्टिकली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ पे दो लाइट्स इंटरफेरेंस होता है तो उसमें इंटेंसिटी 4 times to 0 times हो जाती है, कुछ एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस ऑब्जर्वेशन को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, डिफ्रैक्शन भी था। किसी ऑब्स्टेकल के पास से जब वेव जाती है तो वो स्प्रेड आउट हो जाती है, बेंड हो जाती है। पार्टिकल ऐसा नहीं करेगा, खिड़की से बॉल फेंकेंगे तो खिड़की की वजह से बॉल बेंड थोड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर खिड़की से बाहर वेव जा रही है तो चाहे लाइट वेव हो या साउंड वेव, वो इसमें डिफ्रैक्शन होता है, बेंड हो जाती है। और ये बेंडिंग वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतने ज़्यादा डिफ्रैक्शन होता है। अब ये दो ऑब्जर्वेशंस जो आए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के, इसने न्यूटन की थ्योरी को बिल्कुल बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया कि भाई न्यूटन तो बिल्कुल ही गलत है लाइट के अप्रोच पे और हाइजन ही बॉस है। लेकिन यह एक फनी चीज़ थी कि अगर हाइजन सही है तो फिर वो मीडियम कहाँ है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। कुछ लोगों ने एक उसमें हाइपोथेटिकल थ्योरी बना दी कि ईथर एक मीडियम है, ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, ये एक फिजिक्स वाला मीडियम मान लो जिसकी इनफाइनाइट रिजिडिटी होती है। एक हाइपोथेटिकल टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उसमें कई सारे शर्लॉक होम्स वाला जो नॉवल लिखा था उसने इस ईथर मीडियम पे भी कोई कहानी लिख डाली थी। इस तरह के सेटअप चल रहे थे हाइजन की थ्योरी के बाद। लेकिन यहाँ पे फिर एक बड़ा चेंज आता है, एक चैलेंज आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से, हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन एमिट होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। मतलब जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे उसे रेडिएट होने वाली रेडिएशन का वेवलेंथ रिड्यूस होता जाएगा। जैसे आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, पहले रेड होता है, फिर उसके बाद उसकी जो वेवलेंथ है रेड की सबसे बड़ी होती है और फिर येलो, ऑरेंज, इस तरह से ब्लू के साइड शिफ्ट होता जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉज दिए हैं। बात करते हैं कि उससे क्या, अब तो भाई कोई भी ऑब्जर्वेशन होता है रेडिएशन से रिलेटेड या लाइट रे से रिलेटेड, तो जो पुरानी थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को उसको प्रूफ करना आना चाहिए। तब सारी दुनिया का अप्रोच क्या था, वेव थ्योरी, वेव थ्योरी, वेव थ्योरी। तो भैया वेव थ्योरी के अप्रोच लगा के ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, कोई नहीं कर पाया, सारे फेल हो गए। फिर मैक्स प्लैंक है, प्लैंक ने फिर एक अलग अप्रोच यूज किया। उसने बोला नहीं भाई वेव की बात मत करो, एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी मान लो, जो लाइट है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, जिनको क्वांटा नाम दिया उन्होंने, और वो लाइट पैकेट्स यानी पार्टिकल्स की हेल्प से, उस थ्योरी की हेल्प से उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वेरीफाई किया, प्रूव किया। अब फिर न्यूटन इम्पोर्टेंट हो गए कि न्यूटन पूरी तरह से गलत तो नहीं है, अब तो मॉडर्न वर्ल्ड पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको वेव नेचर एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता उसके लिए वेरीफाई कर दिया भाई पार्टिकल है। तो वैसे ये ड्यूअलिटी वाला जमाना था जहाँ पे दोनों ड्यूअल नेचर की ही चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। आज के साइंस में भी ऐसे ही होता है कि वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों को मिला के ही लाइट का और इलेक्ट्रॉन्स के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद एक और फनी सा इंसिडेंट हुआ, कहानी उसकी बाद में सुनाएंगे, लेकिन वो इंसिडेंट था लेनार्ड का। लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि जिंक प्लेट पे अगर अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं वो चार्ज एक्वायर कर लेता है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था लेनार्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कि जिंक प्लेट पे यूवी रेज डालते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते होंगे यूवी रेज डालने से। तो लेनार्ड ने ये एक्सपेरिमेंट जो है पेटेंट करने के लिए पेटेंट ऑफिस भेज दिया कि भाई ये कुछ होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट डालने से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, और सोचा कि इसका फ्यूचर में कोई यूज होगा तो पेटेंट करा लेते हैं तो रॉयल्टी मिलेगी, कोई यूज होगा। पेटेंट ऑफिस में अल्बर्ट आइंस्टाइन थे जो एज अ क्लर्क काम करते थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। फनी बात यह थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह बहुत सारे साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और सबके सब फ्लॉप हो गए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक ऐसा फेनोमेना है जो वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और आइंस्टाइन ने वहाँ पे मैक्स प्लैंक का कॉन्सेप्ट यूज किया यानी क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, या सिंपल लैंग्वेज में कहें पार्टिकल्स ऑफ लाइट, उसके हिसाब से उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। और फिर तो कहानी बहुत आगे बढ़ गई भाई कि कुछ चीज़ें हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल से, तो न्यूटन इतने गलत भी नहीं थे और आइंस्टाइन जैसे लोगों ने प्रूव किया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नोबेल प्राइज भी मिला। अब हम लोग क्या माने लाइट क्या है। एक साइंटिस्ट और थे मैक्सवेल, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट यूज़ किया था। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को इसकी बेसिस पे लाइट को एक्सप्लेन करते हैं। मैक्सवेल तक
लाइट का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई जो लाइट रेज आती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो वेव फॉर्म में प्रोपेगेट करते हैं लेकिन वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं, कॉन्टिन्यूस वेव्स नहीं होते हैं। लगभग 400 साल के ये जो साइंस की डेवलपमेंट थी उसमें पता चला कि ना तो पूरी तरह से हाइजन सही थे ना पूरी तरह से न्यूटन सही थे। तब फाइनली आती है कहानी हमारे डिमॉन्स्ट्रेशन पे, जो पोलराइट फिल्टर्स थे उनको यूज़ करके हमने कौन सा नेचर प्रूव किया, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो पोलराइट फिल्टर्स जो होते हैं लाइट के ऑसिलेशंस को एक पार्टिकुलर एक्सिस पे ही पास करते हैं, तो ऑसिलेशंस यानी कि वो वेव नेचर पे बेस्ड है। जैसे हमने दो पोलराइट फिल्टर्स यूज़ किए हैं, अगर हमने जो पहला पोलराइट फिल्टर लिया तो वो ऑसिलेशंस को वाई एक्सिस पे भेज रहा है, उसके सामने दूसरा पोलराइट फिल्टर अगर हमने लगाया और उसकी भी पास एक्सिस वाई है तो दोनों से लाइट रेस पास हो जाएगी। लेकिन अगर हम आगे वाले पोलराइट फिल्टर का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जेड एक्सिस कर देते हैं, अब वो क्या होगा कि जो पहले पोलराइट से लाइट के ऑसिलेशंस आ रहे थे वो दूसरे पोलराइट फिल्टर से ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस तरह से पोलराइट फिल्टर्स को रोटेट करने से लाइट या तो पूरी पास कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। तो जो पोलराइजेशन वाला डेमोन्स्ट्रेशन है ये वेरीफाई करता है वेव नेचर ऑफ लाइट, इनफैक्ट ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में ही पोलराइजेशन हो सकता है।